सो गाइज, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि गाइज ओम की दिक्कत हो रही है, मेन पार्ट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास ले गए, दवाई वगैरह ली। फिर गाइज नेक्स्ट डे में ओम को लेकर डॉक्टर के पास डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पर ओम को पिलाया पानी एंड ओम को लड़ा दिया बिस्तर के ऊपर, जहां पर वो ओम का अल्ट्रासाउंड ओम के एब्डोमिन पार्ट का, एंड गाइज एब्डोमिन पार्ट का अल्ट्रासाउंड के बाद रिपोर्ट आ गई है। ये देखो गाइज, सुबह सुबह मजा आ गया है। एंड गाइज सुबह के बज रहे अपने सुबह के बज रहे हैं सवा सात। एंड गाइज इसी बात पे, हे गाइज वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। गाइज ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैंने पहन लिया ऊपर से ये मोटी मोटी जैकेट ताकि ठंड कम लगे। और गाइज चुलबुल घर की देख रेख करने के लिए भाई घर के बाहर आ चुका है, जो आता है गली के बाहर उस पे भौंकता है ये, ठीक है, तो इसका काम है ये। बाकी गाइज ये देखो हमारे घर से व्यू पहाड़ों का, क्या अल्टीमेट आ रहा है, अल्टीमेट क्रिस्टल क्लियर व्यू है। सब्जियां भी आ गई है सुबह सुबह सब्जियां, तो आज शायद खाने में हम यही खाएंगे। एंड गाइज ये है ओम की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, जो कि एब्डोमिन की है, तो भाई इसको आज ले जाना है डॉक्टर के पास, एंड फाइनल डॉक्टर ही इसको देखेंगे रिपोर्ट को, कि क्या रिपोर्ट है, क्या नहीं है, क्या सिम्टम है, क्या नहीं है, इन्फेक्शन है नहीं है, और क्या क्या हमको टेस्ट कराने हैं, नहीं कराने हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब डॉक्टर बताएंगे। बाकी अभी ओम भाई यहाँ पे सो रहे हैं, देखो ये टन सोया पड़ा है ओम भाई, ठीक है। एंड गाइस कल रात यहाँ पे पानी गिर गया यार, ये देखो ये पानी गिर गया है, पानी गिरा है, प्रोटीन गिरा है, ये शायद प्रोटीन गिर गया है भाई, मेरा प्रोटीन था ना यहाँ पे, तो ये देखो तभी मैं कहूँ प्रोटीन कम कैसे हो गया, ये प्रोटीन गिर गया मेरा। ओहो, तो मेरा ये भी गीला हो गया और बेड भी गीला हो गया, शिट। बाकी गाइस हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं एंड कैमरे खराब हो गए काफी दिनों से, मतलब मैं देख रहा हूँ कि कैमरे वर्क नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, कैमरे कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है। चार कैमरे लगाए थे तो चारों में से एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। एंड गाइज मैं भी एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जो अपना बैट है भाई, इस बैट की पूजा कराई थी हमने मेरे बर्थडे के दिन, और इस बैट को तब से भाई हमने खोला ही नहीं है, सील पैक पड़ा हुआ है। बल्ला ही हमारा सील पैक है भाई, तो उसकी अनबॉक्सिंग कर दे फिर आज, या भी रहन दे। वो क्या शाइन मार रहा है बैट भाई साहब, अब खोलेंगे इसके स्ट्रोक इस हथौड़े से ऐसे ऐसे। वाह क्या बल्ला है यार, अल्टीमेट, मजा आ गया। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो लेट हो गई है बहुत, प्रणाम। ओए तेरा प्रणाम भी नहीं करना है, प्रणाम चलो। सुबह सुबह दिमाग खराब कर रखा है किसने? क्यों? अब इसने मेरे को दवाई बोली अपनी, दो दवाई खाती है, दो, एक तो वो है ताकत की है, अच्छा, एक वो है थायराइड की। अच्छा, वो ताकत की नहीं है, वो भी विटामिन ही है, विटामिन D3 है, और एक वो है एल्ट्रोक्सिन, ये इसको मेरे मुंह में चिपका दे, उधर रख इसको, दूर रख। अब मैंने इसको बोला जो भी चीज थी मुझे व्हाट्सएप किया, अगर अब मेरी आज 10 दिन से मेरी दवाई खत्म हो रखी है, और 10 दिन से मैं कह रही मेरी दवाई ला दो, दवाई ला दो, और कल कह रही है व्हाट्सएप में मुझे भेज, आज 20 साल हो गए मुझे वो थायराइड की दवाई खाते खाते, और इन सज्जन को उस दवाई का नाम नहीं पता, तो कितनी शेमफुल बात है ये मेरे लिए, शर्म की बात है कि मेरे हस्बैंड को आज 20 साल से जो दवाई मैं खा रही हूँ उस दवाई का नाम नहीं पता। क्या नाम है? नाम पता ही नहीं है। आपने कल मुझे व्हाट्सएप किया, लाया ना एकदम लाइन लाए, आपको वो एक ही तो दवाई है, कौन सी 50 दवाइयां मैं खाती हूँ, तो गनीमत समझ के 20 सालों में तेरा नाम नहीं बोला हूँ, ये गनीमत समझ। शैलजा पांडे, अच्छी बात है, मैं मर जाऊंगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी ना, बढ़िया है। शैलजा पांडे इज माय वाइफ, मैं जिस दिन मर जाऊंगी तो उस दिन आपको तकलीफ नहीं होगी कुछ भी चीज करने में। अब ऐसे वर्ड यूज करते थे सुबह सुबह, अच्छे वर्ड है, नहीं तो गंदे वर्ड है यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मम्मा पागल हो गए यार, क्यों नहीं बोलूंगी, क्यों अपनी बारे में, तो अपनी बारे में तो इन्हें इतनी छोटी छोटी चीजें हर्ट होती है, 20 साल से एक दवाई खा रही हूँ मैं, 20 साल। क्या नाम है? एल्ट्रोक्सिन। अब क्या करें इसमें, अरे शब्द यूज करती थे सुबह सुबह, अरे नहीं मालूम है तो क्या पता, तो नाम हाँ, जब 20 साल से इन्हें दवाई का नाम नहीं पता तो मेरे को भी भूलने में इनको बहुत ही आसानी रहेगी ना। हाँ। ये कह रही हूँ मैं, मेरे को भूलने में, मेरे को भूलने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, जब मैं नहीं रहूंगी इस दुनिया में तो बहुत इजीली आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। देखो ऐसा होता ना, किसी के जाने से, किसी के रहने से, किसी के ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पड़ता है, मुझे पड़ता है, ठीक है, ये महादेव की लीला है, महादेव में जो लीला रची है वही होगा, लेकिन जब तक हो तब तक तो सुख और चैन से जी लो, मेरे जाने के बाद, मेरे रहने के बाद उसको कुछ नहीं देखा है, जीने दोगे तभी तो जीऊंगी,
और चुल्लू का क्या होगा मम्मा? वो बेचारा मेरे से पहले चला जाएगा, फिकर मत कर। चुल्लू ऐसा नहीं बोल दे, ये चुल्लू तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं मैंने एक चीज और सीख ली है। हाँ। एक चीज आज मैं वादा करता हूँ, मैं अपने सारे दर्शकों को एक चीज आज कमिटमेंट करता हूँ, अगर हमारे चुल्लू को कुछ हो गया तो मैं अपनी लाइफ में अब दूसरी ब्रीड नहीं पालूंगा, फिर पिघल आएगा, उसका नाम चुल्लू पांडे होगा। आज ही मैं वादा करता हूँ। क्यों ऐसे क्यों? इसका बच्चा पालेंगे ना? क्या इसका बच्चा पालेंगे? उसका नाम भी चुल्लू पांडे, उसका नाम बुलबुल होगा। नहीं चुल्लू 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 पांडे ही नाम होगा, चुल्लू नहीं होगा ना यार। चुल्लू तो एक ही था और एक ही रहेगा, बस चुल्लू तो एक ही था और एक ही रहेगा। इसका बच्चा पालेंगे हम, फिर इसकी पीढ़ी को पालते रहेंगे ना, इसकी पीढ़ी, इसकी इसकी ही पीढ़ी पालेंगे, बस इसकी पीढ़ी को पालते रहेंगे। ये देखो इसकी, इसको ही पालेंगे हम, इसको ही बच्चे ही पालेंगे, है ना मम्मा? बच्चे को पैदा करेगा जब बुढ़ा हो जाएगा, है जब बुढ़ा तब बच्चे पैदा करेगा। अब करेगा ना वो, उसकी शादी कर रहे हैं अगले साल, अगले साल शादी कर रहे हैं, एक बीगल में लड़की बरात लेके जाएंगे। हाँ हाँ चुल्लू की बरात जाएगी, याद रखना। हाँ और बरात ही हम नाचेंगे। हाँ नाचेंगे हम, और इसको सजा सुनो जाएगी, इसको बढ़ाएंगे गाड़ी। अगर अगर इसकी वाइफ ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं करा तो क्या करेंगे फिर? अबे यार इसकी वाइफ को उठा लाएंगे घर से। नहीं यार किडनैप कर लेंगे उसको, किडनैप कर लेंगे, चुल्लू करेगा चुल्लू, फिर चुल्लू का बच्चा हो जाएगा, है ना चुल्लू? बनेगा। सब बनाएंगे मुकुट उकुट सब, आगे के धालर वालर सब डालेंगे। हाँ मजा आ जाएगा, रहने नहीं देगा सब, नोच नाच के फेंक देगा। आना। हाँ कार्ड बांट देंगे, कार्ड चुलबुल वेज चुलबुल की शादी में कई जाएंगे, बढ़िया फंक्शन करेंगे, बैंक्वेट हॉल खाना पीना हुआ स्टेज में बैठाएंगे इसको, और खाना पीना होगा तो क्या खाएंगे, खाना बना होगा यार, भाई साहब चुलबुल ये शादी करेंगे चुलबुल की। और गाइस यहाँ पे बन चुका है अपना खाना, खाने में है यहाँ पे मस्त छोले, छोले आ चुके हैं, छोले चावल मस्त बनाए मम्मी ने, और यहाँ पे लग गया खाना छोले चावल। सो गाइज हाथ में आ चुकी है रिपोर्ट ओम की, और अभी दिखा रहे हैं रिपोर्ट जो हमने कल अल्ट्रासाउंड करवाया था और यूरिन टेस्ट करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो ये दिखाएंगे हम डॉक्टर को। ओम भाई चल यार, भाई उदास मत हो यार। नहीं उदास, चलो जल्दी यार। अरे कौन आ गया? ₹10? अरे यार भाई ₹10 तो है ही नहीं गाड़ी में। ₹10 तो है नहीं ओम भाई। अरे आप उतरो गाड़ी से यार, चलो तो सही दे देंगे ₹10 बाद में यार, अब चलो तो सही उतरो तो सही गाड़ी से। अरे डॉक्टर बंद हो जाएगा यार। संकेत नहीं है, समझ गया? फ्लूइड्स लिक्विड्स का कंटेंट से बाहर ये काफी ज्यादा था, सिस्टेसिस ये लिखा था वो उनकी रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है। सिस्टेसिस मींस कि ब्लैडर में स्वेलिंग, जब ब्लैडर में स्वेलिंग होगी तो यूरिन तो गड़बड़ हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल ओके है, बात खत्म। वो भी दे आर नेवर 100% देखा, यू मीन ब्लड एंड ह्यूमन शोज फ्लोटिंग इंटरनल इकोस, ये उनको अल्ट्रासाउंड में देखने की एक संभावना लग रहा है, तो वो दे ऑलवेज मार्केड एज क्वेरी। ओके सर, दिस वर्ड कंफर्म नहीं है, इसको देख के मतलब रही है क्वेश्चन मार्क सिस्टाइटिस।
पानी पिए, आप जो है हल्का सपोर्टर पहनिए, फ्रेंची की शर्ट पर टाइट वाला बाकी कुछ नहीं करता। अभी है तो ना आज लास्ट डे है, हाँ पेन तो नहीं है, टेस्टिंग पेन नहीं है, मतलब जब टच कर रहा हूँ उस एरिया में तो अजीब सा, मतलब अजीब सा है। ओके तो गाइस अभी तो फाइनली घर पहुंच गए हैं एंड अभी पापा ओम की रिपोर्ट देख ली डॉक्टर ने। क्या कह रहा डॉक्टर? और डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है, रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बट पानी बहुत पीना है। पानी तो पीता ही है, पानी पीता ही है, फिर अभी रेस्ट कर रहा है। पानी पीता है वो, डब्बे में क्या डाल के पीता है? हाँ पानी पीता है वो, पानी है, पानी पीता है, पानी पीता है, पानी पीना है और सोना टाइम पे है। और इसका एक काम कर सकते हैं, हाँ तो अगर सपोर्ट करे ना मुझे, हाँ तो इसको 11 बजे के बाद का फोन इससे ले लेना है। ठीक है, ठीक है, हाँ 11 बजे का फोन लेना है, क्योंकि देखो ऐसा है बच्चा है अभी 11 में पढ़ता है, तू उसको थोड़ा सा ना बोलना, तू जब मैं उससे बोलूंगा 11 बजे अपना फोन दे, तू ना ओम दे दे अपना फोन, क्योंकि मेरी बात मानता नहीं है, तो उसका 11 बजे फोन ले लेंगे तो टाइम पर सो जाएगा, टाइम पर सो जाएगा तो सुबह टाइम पर उठ जाएगा, सोया दे और टाइम कहता होगा 10 बज गया दे। तो जब तक ऐसा ना एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, तेरे को भी बनाना पड़ेगा अपना, तेरा भी सिस्टम आउट ऑफ सिस्टम है, उसका भी आउट ऑफ सिस्टम है, तो अपना सिस्टम पहले बनाओ, जब सिस्टम बनेगा ना तो ऑटोमेटिकली सारे ऑर्गन्स तुम्हारे प्रॉपर काम करेंगे। सुबह को थोड़ा वॉक करो, हल्का फुल्का अनुलोम विलोम, थोड़ा सा रामदेव महाराज वाले ना थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा मैं जाता हूँ देख, जब मैं सुबह 5:30 बजे निकल जाता हूँ घर से वॉक पे, इतनी एक्सरसाइज करता हूँ पार्क में, तो तुमको भी करनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि आज से अपनी हैबिट डालोगे ना तो कल के दिन ये हैबिट बनी रहेगी, जब आज अच्छा काम करोगे तभी तो आने वाले कल में अपनी जनरेशन को बताओगे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हम ही खुद नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या समझाएंगे उधर। अभी दवाई दी उन्होंने और दवाई दी है, कह रहे हैं कि अभी वो ठीक है, दवाई खाए, छोटी मोटी चीजें होती है ना, आप अपना कर्म करो ना, अब उसके बाद भी ऐसा भी नहीं है कि कई लोग ऐसे, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3 साल से हो रहा है, लेकिन 3 साल से कैसे हो रहा होगा उसको? तो इसे 3 साल से बताया क्यों नहीं हमको? एक बार पहले बोला था इसने, हमने बोला भी डॉक्टर से, डॉक्टर कह रहे थे उस टाइम पे कि ऐसे हार्मोनल चेंज होगा, लेकिन 3 साल से दर्द है, सेंसेशन है, कह रहा है। देखो ऐसा है, जब तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम्स है ना तो तुमको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए तुमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुमको आज तकलीफ हो रही है और तुम उसके बाद तुम्हारा रूटीन भी नहीं है, तुम अनाप शनाप खा भी रहे हो, है ना, और तुम बाहर का कुछ मत खिलाएगा ज़्यादा, बाहर का तो कुछ नहीं, और तू भी मत खाया कर, बाहर का ज़्यादा मत खाओ, घर का अंदर का खाओ, फ्रूट्स खाओ, घर में लेके आओ फल फ्रूट्स लेके आओ, जूस बनाओ घर में, जूस पियो, है ना, सलाद खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, फालतू खा रहा क्यों, क्या फ़ायदा है वो खा के, इतनी चटनी वटी, इतना सारा स्पाइसी फूड, इतना वो क्या है वो जो तुम खाते हो, एक चाप 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 फाप क्या है ये, लीवर को तुम्हारा ख़राब करेगी, तुम्हारे अंदर के ऑर्गन्स को ख़राब करेगी ना, खाओ रोज़ खाओ, कम खाओ, कम खाओ, अब खा लिया वो नहीं है खाओ तो अंडे खाओ रोज खाओ, अब मुर्गी खा ली तो अंडे कहाँ से आएंगे, तो ऐसा नहीं कि कल दिन डॉक्टर तुमको बोले कि भैया आप तुम ये नहीं खा सकते हो तुमको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रनिंग करो, रनिंग करो, वॉक करो, है ना, एक्सरसाइज करो, ठीक है ना, ये सारी चीजें।